हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरेसी मैथ्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बिना टाइम वेस्ट किए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालिए। तो देखो, पहला नंबर 6 से डिवाइड होता है वो होता है 6, क्योंकि 6 1 6 होता है। उससे अगला क्या होता है 12, 6 2 12, 6 3 18। अब हमें आगे 40 तक तो काउंट नहीं करेंगे ना, पहले 40 कौन से हैं छोड़ देते हैं। टोटल ये बस ध्यान रखना, ये इंटीजर्स आपके कितने होंगे, 40 इंटीजर्स, ठीक है। अब एस 40 मतलब आपको निकालना है पहले 40 इंटीजर्स, जिसमें फर्स्ट टर्म आपको क्या मिल गई है 6 एंड डी क्या मिल गया है 12 - 6 विच इज ऑल्सो 6। फॉर्मूला पुट करते हैं कौन सा, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो क्या हो गया, n की जगह 40, तो 40 बाय 2 इंटू 2a, 2a यानी कि 2 इंटू 6 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 40 माइनस 1 इंटू डी, डी यानी कि 6। 2 से कैंसिल हुआ 20 आ गया, तो 20 इंटू 2 6 आर 12 प्लस 40 माइनस 1 इज 39, 39 इंटू 6 ये हो गया 20 इंटू 12 प्लस 6 9 54, 4 कैरी 5, 6 3 18, 18 प्लस 5 23, तो 2 3 4 ये हो जाएगा 20 इंटू 6 4 2 246, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 12 का 2 कैरी, 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 4 8 + 1 9, 2 2 4, तो 4 9 2 0। यानी कि सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर जो कि डिविजिबल है 6 से आता है 4 9 2 0। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अगेन यहाँ एन 15 दे दिया है, क्योंकि पहले 15 मल्टीपल की बात हो रही है 8 के, बिल्कुल ऐसे ही है। पहला मल्टीपल 8 बन जाए 8, भाई 8 से जो मल्टीप्लाई होने वाला होता है ना वो मल्टीपल हो गया। 8 2 16, 8 3 24, मैं 15 तक तो मल्टीप्लाई नहीं करूंगी हर एक नंबर को, जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं एन मिल चुका है। ऐसे कितने इंटीजर्स होने चाहिए गाइज आपके पास, ये है 15 मल्टीपल्स, जिसमें आपको ए मिल गया है 8 और डी कितना मिल गया है 16 - 8 जो भी 8 हो गया, 8 हो गया। एस 15 हो गया आपका एन बाय 2 यानी कि 15 by 2 इंटू 2a, ए यानी कि 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी भी है 8, तो 15 by 2 इंटू 2 8 16 प्लस 15 - 1 इज 14 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 15 by 2 इंटू 16 प्लस 1 1 2 यानी कि आ गया 15 by 2 इंटू 6 + 2 8, 1 + 1 2, 128। 2 से काटो, 2 6 12, 2 4 8, तो 15 और 64 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। 15 4 60 का 0 कैरी 6, 15 6 90, 90 + 6 = 96, तो मल्टीप्लाई करके आगे 960। यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स इज 960 आ गया आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे इसे पहले। फाइंड द सम ऑफ, अगेन इसमें भी सम निकालना है, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। ऑड नंबर होते क्या हैं, पहले आपको यही पता हो, 2 4 6 8 0 के अलावा जो नंबर होते हैं, मतलब 1 3 5 7 9, ये नंबर्स आपके होते हैं ऑड नंबर्स। तो 0 के बाद पहला ऑड नंबर क्या होगा, पहले हम लिख लेते हैं ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50, क्या होगा पहला नंबर 1, नेक्स्ट क्या होगा आपका 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7, ऐसे ही 50 से जस्ट पहले नंबर कौन सा था 49, जो कि ऑड होता है, यस। यानी कि आपके पास लास्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर है, ठीक है, लेकिन n नहीं है कि टोटल नंबर से है कितने। जैसे इन क्वेश्चन में गिवन होता था फर्स्ट 15, फर्स्ट 40, तो यहाँ पे आपको पहले n निकालना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं आपके पास क्या क्या गिवन है, a है आपके पास 1, d है आपके पास 3 - 1 2, और L बोल दो या AN बोल दो, लास्ट टर्म है आपके पास 49। अब AN वाले फॉर्मूले से विच इज A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, हमें क्या मिलेगा N, AN की वैल्यू पुट करो 49, A की वैल्यू 1 प्लस N नहीं पता तो N माइनस 1 एज इट इज, D, D क्या होता है 2, तो 49 - 1
2n प्लस माइनस माइनस 2, तो 49 माइनस 1 हो गया 48, माइनस का 2 इधर आके हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 2n, 48 प्लस 2 इज 50, 50 इज इक्वल्स टू 2n, 2n n मल्टीप्लाई है 2 के साथ, यहाँ हो जाएगा डिवाइड 50/2 यानी कि n 25। तो ये टोटल टर्म्स कितनी हुई आपकी गाइस, 25। तो n यानी कि आपको मिल गया है 25। जब लास्ट टर्म है तो वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत क्या है, आप डायरेक्ट ये करो n बाय 2 इंटू ए प्लस एल, एन कितना आया 25, तो 25/2 इंटू ए, ए कितना था 1 प्लस एल, एल कितना था 49, तो हो गया 25/2 इंटू 49 प्लस 1 इज 50, काटो इसे 25, एंड 25 इंटू 25 कितना होता है 625, यानी कि एस एन जो कि नंबर का था किनका, बिटवीन 0 एंड 50 के ऑड नंबर, उनका वैल्यू आती है आपकी 625। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, थैंक यू।